Assalamu alaikum class. Welcome back to your online classes. Today we will study something about geography and that will be physical geography. But before we begin, let us say Rabbi Zidni Ilma three times and ask Allah to guide us. Now, first let me ask you what is geography? Geography, cheez hai? ज्योग्राफी जो है वो एक जगह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ रिलेशनशिप ऑफ़ पीपल एंड लैंड इन सब की स्टडी है सो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एंड द रिलेशनशिप ऑफ लैंड एंड पीपल दे लिव ऑन हमको नाम से ही पता चलता है जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो किसी भी चीज़ की स्टडी है फिजिकल स्टडी जो दिख सकता है हमको फिजिकली दिख सकता है फील हो सकता है ओके okay? इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस एंड पैटर्न प्रोसेस एंड पैटर्न किस चीज के स्टडी करते हैं हम लोग फिजिकल जियोग्राफी में एलिमेंट्स लाइक ग्रास ट्री अर्थ सॉइल एयर ओशन डेजर्ट माउंटेन एंड ऑल द इकोसिस्टम ऑन दर्थ ओवर द अर्थ जब हम ग्लोब देखते हैं अर्थ का फोटो देखते हैं दिस इज अर्थ लैंड एंड वॉटर इन ट्रू कल जब असल में देखा जाएगा अर्थ को बहुत ऊंचाइयों से तो वो ऐसे कलर्स में नजर आता है सो वॉट इज फिजिकल जोग्राफी इट्स स्टडी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल लैंडफॉर्म सॉइल एनिमल plants, water, atmosphere, रिवर एंड अदर बॉडीज वॉटर बॉडीज एनवायरमेंट एंड ओशंस हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम हेल्प करते हैं जिससे हम जिंदा रहे फॉर एग्जाम्पल अगर पानी कम हो गया दुनिया में तो हम मर जाएंगे इफ यू रन आउट ऑफ वाटर वी वुड डाई इफ दज वाटर शॉर्टेज फ्यूचर में देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम सो ज्योग्राफी हेल्प्स आस टू नो अबाउट धीज इट हेल्प्स आस टू नो वेदर वेन विल एन अर्थक्वेक हैपेन सो वी कैन टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आर सेल्व आई यू अंडरस्टेंडिंग क्लास द जोग्राफी हेल्प्स आस टू प्रोवाइड विथ इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अर नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अर नेचुरल एनवायरमेंट तो ज्योग्रफी से हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पता चलता है इसकी कमी से हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है तो ज्योग्राफी हेल्प करती है हमको बताने की जिस वजह से वी कैन प्रोटेक्ट आर नैचुरल एनवायरमेंट इन ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स ना वॉट इज अ रॉक और अ स्टोन इट इज अचुरली ऑकरिंग सॉलिड कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स दुनिया के जो क्रस्ट में अर्थ के जो क्रस्ट में मिनरल्स होते हैं तो वेन द मिनरल्स यूनाइट जब वो सॉलिड हो जाते हैं तो डिफॉर्म रॉक्स एंड स्टोन फॉर एग्जाम्पल द कॉमन रॉक ग्रनाइट जो नॉर्मल कॉमन रॉक है एक ग्रनाइट वो किससे बना हुआ है वो क्वाट्स और फेल्सपर एंड बायोटिटियो क्वार्स फेल्सपर एंड बायोटिटियो वेन दे यूनाइट डिफॉर्म ग्रानाइट जब ये तीन मिल के सॉलिडिफाई होते हैं तो डिफॉर्म ग्रानाइट अर्थ का जो आउटर सॉलिड लेयर है वी नो लेथोसफियर मेड ऑफ रॉक्स तो वॉट इज अ रॉक रॉक इज अ कॉम्बिनेशन इट इज अचुरली ऑकरिंग सॉलिड कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स नाउ शुरू से जब से दुनिया बनी है फ्रॉम स्टोन एज रॉक्स हैव बीन यूज इन मेनी मेनी थिंग्स सो रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन एज में रॉक्स वर यूज फॉर टूल्स ओके द मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी तक वी यूज रॉक्स फॉर सो मेनी थिंग्स ट्राई एंड फाइंड आउट वेर डू वी रॉक्स टूडे इन टूडेज टाइम वेर डू वी यूज रॉक्स

टोपोग्राफी क्या चीज हुई इसका मतलब जो स्टडी है लैंडस्केप की जैसे वो कैसे अरेंज हुए हैं माउंटेन्स ऊपर हैं उसके बाद प्लेटोज आते हैं प्लेन्स आते हैं तो इनकी जो अरेंजमेंट है उसको टोपोग्राफी कहते हैं बेसिकली लैंड में क्या क्या होता है हिल्स माउंटेन्स प्लेटोज कैनिय प्लेन्स ओशन सीज और ओशंस के अंदर ओशन से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स होती हैं बेस पेनसुलर सीज ओशंस के अंदर क्या क्या होते हैं ओशन रिजेज वोल्केनोज होते हैं अंदर एंड ग्रेट ओशन बेसेंस आफ्टर ओशन ने सॉइल को अर्थ का स्किन भी कहते हैं इट इज द स्किन ऑफ दर्थ क्योंकि अर्थ चारों तरफ से ढका से हुआ है ओशन के नीचे भी और लेथोस्फियर लैंड के ऊपर भी वॉट इज सॉयल सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक मैटर गैसेस लिक्विड एंड काउंटलेस ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको आंख से भी नहीं दिखते देआर देर इन द सॉइल सो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी विच इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ के एकदम ऊपर जो है वो सॉइल है इसीलिए सॉइल को पीडोस्फियर भी कहते हैं वॉट डू वी कॉल सॉयल वी कॉल इट पीडोस्फियर। सॉइल के मेन चार फंक्शन होते हैं इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो वी नो द प्लांट ग्रो इन सॉइल तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल इज द मीन्स ऑफ वाटर स्टोरेज सप्लाई एंड प्योरीफिकेशन हमको पता है सॉइल के नीचे वाटर आता है तो जो मेन ड्रिंकिंग वाटर है जो स्वीट वाटर होता है वो सॉइल के नीचे से भी आता है तो उसमें कभी मट्टी नहीं आती वीनो साफ पानी आता है तो सॉइल जो है वाटर स्टोर भी करता है सप्लाई भी हमको देता है और प्योरीफाई भी करता है सॉइल इज द मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमोसफीयर अर्थ की जो एटमोसफियर है वो एक तरह से मॉडिफाई करता है उसको प्योरीफाई करता है एंड सॉइल इज द हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एनिमल्स के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए छोटे छोटे कीड़े पतंगों के लिए सॉइल जो है वो एक घर होता है ओके अब ये देखो फोटो है सॉइल की देखो कैसे ऊपर एकदम ग्रास उगी हुई है सो दीज आर द डिफरेंट लेराइजन ऑफ सॉइल आफ्टर सॉइल जो हम पढ़ेंगे वो है एनिमल्स के बारे में एनिमल्स के बारे में हमको क्या पता है एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप बढ़ जाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए अपने जिंदा रहने के लिए वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं सो बेसिकली एनिमल्स कैन मूव स्पॉन्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली नाउ पूरी दुनिया में जितने एनिमल्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं वर्टिब्रेड जो वर्ड है वो वर्टिब्रा से भी लिया गया और वर्टिब्रा का मतलब है स्पाइन जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है वो सो so, जिन एनिमल्स में वो कमर की हड्डी होती है बैकबोन होती है स्पाइन होती है दोज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स दुनिया में दे आर लेस देन फाइव परसेंट ऑफ ऑल द एनिमल स्पीशीज लेस देन फाइव परसेंट है ये टोटल स्पीशीज में ये कौन कौन होते हैं फिशेज एम्बी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स बाकी सब जो है बाकी सब जो है उन सबको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती जो तो जो एनिमल्स जिनके में बैकबोन नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं 2010 में स्टडी के हिसाब से 300 से 315,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स थे एंड टू 260 से 290,000 आर सीड प्लांट्स ओके प्लांट्स जिनकी सीड्स होती हैं और ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और रात को उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं सो so प्लांट्स हमको दिन में ऑक्सीजन देते हैं इसके सिवा प्लांट्स हमको क्या क्या देते हैं दे गिव ग्रीन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओके दे आर यूज एज ऑर्नामेंट लोग जो है वो उसको ऑर्नामेंट सजाने की चीजों की तरह भी यूज करते हैं ज्वेलरी की तरह ओके प्लांट जो है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स आज कल जो मेडिसिन बनती है वो प्लांट से भी बनती है सो द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटैनी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटानी इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी मोर अबाउट फिजिकल जोग्राफी थैंक यू वेलकम बैक क्लास टू सेकेंड सेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इस सेशन में हम फिजिकल जोग्राफी के एक पॉइंट वाटर के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया में वाटर है कंप्लीट वाटर उसमें 96.5 परसेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट का जो पानी है 96.5 परसेंट पानी है वो सीजर ओशन से मिलता है 1.7 परसेंट इज इन ग्राउंड वाटर वन परसेंट इन ग्लेशियर्स एंड ऑफ माउंटेन्स एंड परसेंट इज वाटर ओके वाटर वेपर जो पता है ना प्रेसिपिटेशन से एयर में जाता है तो इट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट और लेस देन जीरो पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ वाटर जो है वो एटमोस्फियर लेक्स और रिवर्स में पाया जाता है ओके okay? और हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडीज है जो इंसानों की बॉडीज है उनके अंदर जो वाटर होता है वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट है ओके अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फाउंड इन द अर्थ इंटीरियर ऑल्सो ना हमको पता है जो ओशन्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं ओके इट्स इन्फ्लूंसिस क्लाइमेट एंड वेदर पैरटन्स नाउ डिड यू नो दैट इन ओशन टू लैक थर्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ मरीन एनिमल्स लिव ओके मैनी मच मच इज अनएक्सप्लोर्ड अभी तक पता नहीं चला है उनके बारे में बट स्टिल ओवर टू मिलियन ऑफ मरीन स्पीशीज हो सकती हैं ना लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एटमोसफियर एटमोस्फियर जो है अर्थ का इट इज़ कम्पोज ऑफ नाइट्रोजन इट कंटेन्स ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादातर प्लांट्स यूज करते हैं सो एटमोसफियर हेल्प्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव इट प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और किस चीज से बाई सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज इस डायग्राम में देखें एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन और बाकी सब है। वैन बी टर्न द पेज टू पेज सिक्स हम देखेंगे वहाँ पर डिफरेंट फोटोज हैं ना ये फोटोज हमको बता पाते हैं टेल अस अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान कितनी डाइवर्स कितनी बड़ी जोग्राफी है पाकिस्तान की फर्स्ट फोटो देखे इज माउंट के टू दैट इज द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन ऑन अर्थ बीच में सवाद डिस्ट्रिक्ट देन डेजर्ट

फोर प्रोविंस चार सूबे हैं एंड देर आर टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गिलगिट बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर ऑन टॉप अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होते हैं वो जगह हैं जिनकी अपनी गवर्नमेंट होती है जो अपने रूल्स फॉलो करते हैं ओके सो इन पाकिस्तान देर आर टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जोग्राफिकली पाकिस्तान इज द थर्टी सिक्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका टोटल एरिया है सेवन लैक नाइंटी सिक्स थाउजेंड नाइन्टी फाइव स्क्लोमीटर ये एरिया वाइज फ्रांस एंड यूके के बराबर है इतने इतने बड़े बड़े एरिया एरिया पाकिस्तान के इतने बड़े एरिया में हमको माउंटेन्स हिल डेजर्ट फॉरेस्ट प्लेटो सब मिलते हैं ओके एंड ऑल टाइप ऑफ पीपल ये पाकिस्तान का फिजिकल मैप है <coughs> इस मैप से हमको पता चलता है पाकिस्तान में मेनली फाइव मेजर जोग्राफिकल एरियाज है कौन कौन से फाइव नॉर्दर्न हाईलैंड नॉर्थ में जो हाईलैंड हैं जो माउंटेन्स हैं ये ग्रीन वाला जो इंडस्ट रिवर प्लेन है इंडस्ट रिवर प्लेन थर्ड है द प्लाटो एरिया द प्लाटो एरिया बेसिकली बलुचिस्तान प्लेटो है कोस्टल जो एरियाज नीचे जो समुद्र के साथ एरियाज है वो कोस्टल एरियाज हैं और डेजर्ट जो है थार डेजर्ट ना नॉर्दर्न हाईलैंड में कौन सी माउंटेन रेंजेस मिलती है द काराकोरम हिंदुकुश एंड हिमालयाज द काराकोरम, हिंदू कुश एंड हिमालयस और यहाँ पे वर्ल्ड की सेकेंड हाइस्ट पीक माउंट के टू है ओके एंड यहाँ पे दुनिया की जो हाइस्ट फोर्टीन पीक्स हैं उनमें से फाइव उन पाकिस्तान में हैं ओके फॉर एग्ज़ाम्पल द नंगा पर्वत ऑल्सो जिसकी वजह से टूरिस्ट आते हैं माउंटेनियर्स कम फॉर ट्रैकिंग इस मैप में आप देख सकते हैं जो रिवर हैं वो ब्लू लाइंस हैं वो रिवर्स हैं ये कैसे कश्मीर से एंड रीजन से आते हैं और अरेबियन सी में जाते हैं तो जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली जो मेन रिवर है यहाँ का ये कैसे नॉर्थ से आके अरेबियन सी में जाता है और इनकी वजह से ही जो इंडस प्लेन्स है दोज आर वेरी फर्टाइल इंडस रिवर प्लेन्स लैंड है देन कम्स द बलोचिस्तान प्लाटू साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में मेनली बलोचिस्तान प्लाटू है दैट इज सिक्स हंड्रेड से थ्री हंड्रेड मीटर्स हाई और एक और जो है वो सेंटर में आप देखें जो ब्लू से मार्ग है दैट इज द पटवार प्लाटू जहाँ पे मोस्ट फेमस खेबरा सोल्ट माइन है द सोल्ट रेंज इज हेयर एंड द मोस्ट फेमस खेबरा सोल्ट माइन इज लोकेटेड हेयर ओके क्लास आई होप आप सबको पाकिस्तान की बेसिक फिजिकल जोग्राफी समझ में आ गई होगी इनशाला फ्राम नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस ओके Your homework is only question number 2 of chapter 1 only question 2 of chapter 1 like k2 you have to find out the names and heights and location of any 5 high mountains in the world any 5 high mountains in the world and you have to write them in your notebook only question 2 of chapter 1 page 16 page number 16 question 2 chapter 1 is your homework hope to meet you in next class inshallah Allah Hafiz till then